नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा। AR सिनेमा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जिन जिन दोस्तों ने AR सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे दोस्त लोग AR सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम सबका अपना चैनल है और हम सबका एक परिवार है। आज सबसे अच्छी चीज़ें मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक संत प्रातःकाल भ्रमण हेतु समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र के तट पर उन्होंने एक पुरुष को देखा जो एक स्त्री की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। पास में शराब की खाली बोतल पड़ी हुई थी। संत बहुत दुखी हुए। उन्होंने विचार किया कि यह मनुष्य कितना तामसिक और विलासी है जो प्रातःकाल शराब सेवन करके स्त्री की गोद में सर रखकर प्रेमालाप कर रहा है। थोड़ी देर बाद समुद्र से बचाओ बचाओ की आवाज आई। संत ने देखा एक मनुष्य समुद्र में डूब रहा है, मगर स्वयं तैरना नहीं आने के कारण संत देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। स्त्री की गोद में सिर रखकर सोया हुआ व्यक्ति उठा और डूबने वाले को बचाने हेतु पानी में कूद गया। थोड़ी देर में उसने डूबने वाले को बचा लिया और किनारे पे ले गया। संत विचार में पड़ गए कि इस व्यक्ति को बुरा कहे या भला। वो उसके पास गए और बोले, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक मछुआरा हूँ, मछली मारने का काम करता हूँ। आज कई दिनों बाद समुद्र से मछली पकड़कर प्रातः जल्दी यहाँ लौट आया हूँ। मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई थी और साथ में घर में कोई दूसरा बर्तन नहीं होने पर इस मदिरा की बोतल में पानी ले आई। कई दिनों की यात्रा में थक सा गया था और भोर के सुहाने वातावरण में ये पानी भी थकान काम करने की, इसलिए माँ की गोद में सर रख के सो गया मैं। संत की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कैसा पातक मनुष्य हूँ जो देखे बिना मैंने गलत विचार कर लिया मन में। कोई भी बात जो हम देखते हैं हमेशा जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है, उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। किसी के प्रति कोई निर्णय लेने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचिए। तो ये